देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये लगभग एक महीने के बाद का आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। एक महीने के बाद का पौधा देखिए, हमारा कोरिएंडर जो धनिया का पौधा है, देखिए कितने अच्छे से पूरा हमारा कार्टून पूरा पैक हो चुका है। ये एक कार्टून है और एक ठो कार्टून यहाँ पर देखिए, पूरा कोरिएंडर कितने बड़े बड़े पूरा अच्छे से ग्रोथ हो चुके हैं। ये काटने के लायक पूरा अच्छे तरीके से पत्ते देख पा रहे होंगे। पूरा दो ठो कार्टून पूरा कवर हो चुका है। ये देखिए कितने शानदार तरीके से ग्रो हुआ है। 25 से 30 दिन के अंदर आपको हार्वेस्टिंग के लायक कोरिएंडर मिल जाएगा। उसके पास है ये हमारा पालक, पालक भी देखिए, पालक किससे हुआ है देखिए दोस्तों, पालक का पौधा देख पा रहे होंगे। ये भी पूरी तरीके से, ये भी 30 दिन के अंदर, धनिया जब लगाए हुए थे ये तो 25 दिन उसके बाद ये पालक लगाया गया था, और पालक बहुत ही जल्द से जल्द पूरा रेडी हो चुका है खाने के लिए। ये देख पा रहे होंगे पत्ते, देख पा रहे होंगे पत्ते का साइज और हेल्दी कितना है देख पा रहे होंगे। पालक बहुत ही अच्छा हो चुका है खाने के लायक। अब ये इसको हार्वेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। इसको पूरा का ऐसे ही पत्ता सिर्फ काट के लीजिए, इसके ऊपर से फिर से ग्रोथ होगा और 2-3 बार आप इसमें से हार्वेस्टिंग कर पाएंगे एक ही पौधे से। अभी जितना आपका ज़रूरत है उतना ही हम काटेंगे। देखिए दोस्तों, ये हार्वेस्टिंग धीरे धीरे हो रहा है, देख पा रहे होंगे पौधे से सिर्फ पत्ता हम निकाल के ले रहे हैं। ये देख पा रहे होंगे ये फिर से ग्रोथ होगा। देखिए दोस्तों, पूरा हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। जितना बड़ा बड़ा हो गया है खाने लायक उतना ही हार्वेस्टिंग कर दे रहे हैं, और कुछ उस तरफ अभी छोटा छोटा है, इसको काट देने के बाद वो अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सारे बड़े बड़े पत्ते जो ग्रोथ हो गए हैं अच्छे तरीके से, इसको निकाल दे रहे हैं, और पीछे छोटा छोटा अभी है वो इसको काट देने के बाद अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा दोस्तों। देखिए इतना छोड़ दिए हैं, ये बहुत जल्दी, ये 10 दिन के अंदर फिर से खाने लायक ग्रोथ हो जाएगा। बहुत जल्द से जल्द ग्रोथ होता है। धनिया देख पा रहे होंगे दोस्तों, धनिया का पूरा कार्टून, 2 कार्टून लगाया गया था, पूरा धनिया बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है। धनिया तो पूरा देखने लायक हुआ है, देख पा रहे होंगे 25 से 30 दिन का ये पौधा है हम सिर्फ धनिया, देख पा रहे होंगे कितने सुंदर और पूरा हेल्दी तरीके से और पूरा ऑर्गेनिक वे से। सिर्फ एक ही बार इसमें जो पॉटिंग मिक्स बनाया गया था उसी में ही जो सारे गोबर का खाद वगैरह मिक्स किया गया था, अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें एडिंग नहीं किया गया है। सिर्फ पॉटिंग मिक्स जो अच्छे से किया गया था उसी से ही ये ग्रोथ हुआ है। इसको एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर से लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का इसमें डाल देने से ये अच्छे से फिर से एक बार, ये तो पूरा सीजन चला जाएगा विंटर सीजन तक, पूरा एक ही बार लगा देने से धनिया पूरा विंटर सीजन चला जाता है। देखिए इतना ही अभी ज़रूरत था, इतना ही काट के लिए हैं, ये फिर से तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगा। और भी बहुत सारे इस तरफ भी और एक ठो कार्टून लगाया गया है। तो एक 3-4 जन फैमिली के लिए ये इतना छत के ऊपर लगा के ग्रो करना बहुत ही आसान है, और 3-4 जन के लिए पूरा सफिशेंट है। ये पालक और धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, और छत के ऊपर ग्रो करके इतना हेल्दी और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक वे में इतना अच्छे से रिजल्ट पाना और खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है।
तो इसी तरीके से धनिया कैसे ग्रो करेंगे मेरा चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों।